हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी ऑफ जीएस एट चहल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सिर्फ आपके पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं, लेकिन आप लोगों की पर्सनल फ्रीडम के लिए भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि राइट्स या अधिकार होते क्या है, ये राइट्स क्यों जरूरी हैं इस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, और फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, और जो अलग अलग तरीके के फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट्स फॉर कल्चरल एंड माइनॉरिटी एजुकेशन, या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इन सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी तरीके के जो राइट्स होते हैं या किसी भी तरीके के जो अधिकार होते हैं, वो किसी पर्सन को सोसाइटी या लॉ की तरफ से दिए जाते हैं उसके फ्रीडम और उसके प्रोटेक्शन के लिए, और ये इस तरीके के रीजनेबल राइट्स होते हैं जिसे कोई पर्सन पूरी तरीके से क्लेम भी कर सकता है, उस पर अपना पोजिशन भी इस्टेब्लिश कर सकता है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, या फिर राइट टू एजुकेशन, या फिर राइट टू स्पीच। अब यहां पर यह समझने की कोशिश करिए कि ये जो राइट्स किसी भी देश के सिटीजन को या इंडियन सिटीजन्स को दिए जाते हैं, वो डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए किस तरीके से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमें यह पता है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पर ही डिपेंडेंट है, यानी कि हम अपनी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट खुद वोट देकर चुनते हैं और उसी से डेमोक्रेसी मेंटेन होती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो वोट देते हैं या राइट टू वोट जो है वो भी हमारे अधिकारों या राइट्स का ही एक हिस्सा होता है। मान लीजिए आपके देश की जो गवर्नमेंट है, चाहे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव, अगर किसी भी तरीके का काम ऐसा कर रही है जो आपको लगता है कि देश या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है या वो काम गलत है, तो आप उस काम के अगेंस्ट बोल भी सकते हैं, अपनी आवाज भी उठा सकते हैं। इसे भी एक तरीके का राइट ही कहा जाता है। इसके अलावा ये जो राइट्स होते हैं ये आपको गवर्नमेंट से तो प्रोटेक्शन दिलवाते ही हैं, लेकिन जो आपके फेलो सिटीजंस हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्शन दिलवाते हैं। एग्जांपल के तौर पर, कोई भी पुलिस आपको बिना किसी रीजन या बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, ये प्रोटेक्शन हुआ गवर्नमेंट से। इसके अलावा कोई भी फेलो सिटीजन आपके साथ आपके रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस, क्रीड या जेंडर को लेकर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, तो ये हुआ प्रोटेक्शन आपके फेलो सिटीजन से। इसीलिए आपके राइट्स डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए और आपके प्रोटेक्शन के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये आपके बाकी राइट्स से किस तरीके से अलग होते हैं, ये एक अलग कंसेप्ट है। आपको अपनी लाइफ फ्रीडम के साथ जीने के लिए जो बहुत ज्यादा बेसिक राइट्स की जरूरत होती है, जिनकी वैल्यू पूरी तरीके से फंडामेंटल होती है और जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है स्पेशल स्टेटस के नाम से, उन्हीं राइट्स को हम लोग यहां पर फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, जो आपके डेवलपमेंट, फ्रीडम और प्रोटेक्शन के लिए ही बने हुए होते हैं। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की बात करें, सो फॉर एग्जांपल, राइट टू इक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, जिसमें हम लोग रूल ऑफ लॉ की तो बात करते ही हैं, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भी बात करते हैं। अगर इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसे कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब कानून हर एक के लिए एक समान होता है और हर कोई कानून के सामने एक समान होता है। यानी कि अगर आप इस देश के सिटीजन हैं तो इस देश की जो जुडिशरी है या पुलिस है या कानून है आपको इक्वली ट्रीट करती है, और इस देश के हर सिटीजन को कानून को भी एक जैसा इक्वल रिस्पेक्ट ही देना होता है। जहां पे अगर हम लोग बात करें राइट टू फ्रीडम के बारे में, तो राइट टू फ्रीडम भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हमारी लाइफ में कहीं से भी नहीं होती। लेकिन ये फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से दो तरफा होता है। इसका मतलब कोई भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन आप भी किसी और की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पर बोलने की आजादी या फिर कहीं पर रहने की आजादी, कहीं पर घूमने फिरने की आजादी, किसी भी तरीके का काम करने या प्रोफेशन की आजादी, एक जगह पर खड़े होकर जमा होने की आजादी या फिर किसी भी तरीके के ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आजादी को राइट टू फ्रीडम कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है कि आपका ये राइट टू फ्रीडम का फंडामेंटल राइट तब तक सही माना जाता है जब तक वो किसी और के फंडामेंटल राइट को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर हम लोग इसके और आगे चलें और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमें यह देखने को मिलता है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का होता है उससे आप किसी भी तरीके से चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते हैं। यहां तक कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो 14 साल की उम्र से ज्यादा है तो आप उससे भी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, यानी कि फोर्स्ड लेबर नहीं करवाई जा सकती। यहां तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी किसी को किडनैप करके किसी और प्रोफेशन में जबरदस्ती लगवा देना यह भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आता है। और ये एक्सप्लॉयटेशन का जो फंडामेंटल राइट है ये आपको इंडिविजुअल से भी प्रोटेक्शन देता है, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट से भी प्रोटेक्शन दिलवाता है। इसके अलावा राइट टू रिलीजन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया हमेशा से ही एक सेक्युलर कंट्री रही है जहां पर हर रिलीजन को जगह दी जाती है। राइट टू रिलीजन में सीधे तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट में यह कहा है कि आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, आप किसी भी भगवान को क्यों ना मानते हो, उस भगवान की पूजा किस तरीके से की जाएगी, कैसे की जाएगी, कब की जाएगी, या फिर आप अपने रिलीजन को किस तरीके से फॉलो करते हैं, ये पूरी तरीके से आपका पर्सनल और प्राइवेट अफेयर रहेगा। यहां तक कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना रिलीजन अपनी मर्जी से चेंज भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पर्सन किसी और को जबरदस्ती फोर्सफुली किसी का भी रिलीजन चेंज नहीं करवा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहां पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं तो ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही नहीं लेकिन मेजॉरिटी के लिए भी दिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया पूरी तरीके से एक डाइवर्स कंट्री है जहां पर आपको अलग अलग रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स के लोग मिलेंगे। तो जितनी भी डाइवर्सिटी इंडिया में मेंटेन है उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हर कम्युनिटी को मिलने चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी हो या मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, वो अपने कल्चर को पूरी तरीके से एक्सप्लोर और एक्सप्रेस कर सकती है इस फंडामेंटल राइट के तहत। और मान लीजिए ये जो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं आपके जो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन किसी भी सिचुएशन पर अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को किसी भी तरीके से वायलेट कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है तो हर इंडियन सिटीजन के पास इस बात की अथॉरिटी है कि वो जुडिशरी के पास सीधे जा सकता है और जुडिशरी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचा सकती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। इट मीन्स कि जुडिशरी आपके फंडामेंटल राइट्स को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करती है उसे ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के नाम से जानते हैं, और इस बात की भी ये गारंटी देती है कि किसी भी कीमत पर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कभी भी वायलेट नहीं किए जाएंगे। इसी तरीके के टॉपिक्स पॉलिटी के जो आपके यूपीएससी और नॉन यूपीएससी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में और ज्यादा समझना चाहते हैं, कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।